हेलो फ्रेंड्स, अभी जैसे ही हम बोले कि चलो आप ब्लॉग बनाते, देखे लाइट ही कट गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं बनाना चाहिए था ब्लॉग, और भगवान भी नहीं चाहते कि ब्लॉग बने। गाइस, ये देखिए मेरी बहन है, और अभी सच में लाइट कट गया है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि बाहर बन रहे पनीर। पनीर ऑर्डर भी किए हैं। ये तो हाँ, आधा पनीर खाओ गई। हम नहीं खाएं, ये खाइए। तो गाइस देखिए, अभी टाइम हम आपको दिखा देते हैं। दोपहर का हो दिखा रहा दे मेरे है, फोन में 2:33। सब उल्टा दिख रहा होगा सब्सक्राइबर को, इसलिए उल्टा करके दिखाओ। हाँ, हाँ, अब दिखा सही। और देख, आज हम हेयर वॉश भी किए हैं, और आपको बाहर का धूप दिखा देते हैं हम आ कितना गए। ज्यादा देखिए, है। कच्चा पनीर चुरा के तेरे लिए ऐसा नहीं है। गाइज, अभी लाइट आएगा तब हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि बाहर आवाज बहुत जा रहा है। मम्मी कहेगी कि एग्जाम है, पढ़ाई के करने के लिए क्या ची क्या ची कर रही है। देखिए, एग्जाम है मेरा 4 दिन बाद, और मोटिवेशन हमको देखते हैं क्या लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे। देखो गाइज, ये आधा प्लीज पनीर तो कच्चा ही खा जाएगी, बनने तो देगी नहीं कुछ। सही बोल रही, इसलिए सही बोले, बनाया ना लगता है लाइट आ गया आज है। अभी 3 गिनेंगे, लाइट आ जाएगा। आ वन गया। टू थ्री आ गया। ओ, लाइट था गाइस, लेकिन लाइट ऑफ किया हुआ था। देखो दो ये देखिए, पनीर पनीर लेके आई है। है, पनीर चिढ़ा रही है। मम्मी सामने से काम कर रही थी तो को पनीर उठा के चिल्ला। गाइस, ऐसे ना जोमेटो से लो, आया। दिस इज माई स्टाइल, राउडी रड्डू का स्टाइल। ऐसे जोमेटो से पनीर ऑर्डर किया हुआ था, पनीर और मशरूम का सब्जी। लेकिन वो क्या है ना, मेरी मम्मी जब भी बाहर का खाना देखती है तो उसका मन करता है कि अपने से एक्सपेरिमेंट करें, और वही अपने से फिर बना रही है अभी पनीर का सब्जी। पता नहीं क्या बना रही है, क्या बना रही है बाबू? पनीर। इसका बर्थडे भी आने वाला है 15 दिन बाद। 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद, आज से ठीक 15 दिन बाद इसका बर्थडे आने वाला है, और आज से ठीक 5 दिन बाद मेरा एग्जाम आने वाला है, और हमको कोई चाहिए जो हमको मोटिवेट करे। हम करेंगे ना, खाने दो उसके बाद करते हैं। गाइस, अगर ये मोटिवेट करेगी ना तो हम पक्का एग्जाम में फेल हो जाएंगे, हमको पता है। और अभी थोड़ी देर पहले हम एक वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे कि बाल को लंबा कैसे किया जाए। बता दे, हम फ्लैक्स रूट होता है, फ्लैक्स सीड होता है, उसको लेने का पहले तसला लेने का, उसमें 4 कप पानी डालने का, फिर उसको उबाल देने का फ्लैक्स सीड डाल कर, ठीक। फिर उसको ठंडा होने के बाद सूखा हुआ कपड़ा में लेके अपने रिश्तेदार का गुस्सा उसमें निकाल देना, और साथ ही साथ अपनी बहन का भी का गुस्सा निकाल देना है। उसके बाद उसको निचोड़ निचोड़ के कर देना है, फिर प्याज का रस निकालना है। आगे क्या करना था? हाँ, आगे आगे दोनों को मिला के और लगाना था, और इससे बाल पता नहीं लंबा होता या नहीं। यहाँ पे स्कल्स पे लगाना था, और पूरे थोपरा पे। एक सेकंड, स्कैल्प पे, स्कैल्पल बल्स पे। हाँ, स्कैल्प पे लगाना है। तो अगर अब दीदी आपका अगर भाषण मेरा खत्म हो गया तो हम आपको मोटिवेट करना शुरू करें। देख लेते हैं इसका मोटिवेट करने से पहले गला को अच्छे से पानी पी के बेटर बनाने दो, जिससे कि मेरा भाषण तुम आराम से सुन सको। गाइस, सीने देना। बिसलेरी का स्पेलिंग क्या होता है हमको बताएं। देखिए इस पे क्या लिखा है, BESLERY। ये सही है या गलत? क्या है कि मेरे घर में बहुत सारा बोतल है बिसलेरी का, सब पे अलग 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 स्पेलिंग है। किसी पे बेल्सबेरी है, किसी पे बिसलेरी है। बेल्सबेरी है, बिसलेरी का डुप्लीकेट बनाएंगे बेल्सबेरी, और ये भी डुप्लीकेट है। आपको क्या लगता है ये ओरिजिनल है? हम ओरिजिनल है। मार क्यों रही हो तुम? कोमल सी पापा की राक्षसनी को लग गया। गाइस, इधर कभी भी हंसी मजाक में दो थप्पड़ कोई भी एक दूसरे को घिसेगा, इसलिए आप लोग को खिखे खिखे करके हंसना है। तो गाइस, हम आपको एक बात बता देते हैं कि मेरा एग्जाम आने वाला है 10 तारीख को, 10 मई से शुरू होने वाला है। ये बात हम भी उसको कौन सी नहीं पता है, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, पढ़ा जाता नहीं है। इससे 6 को कुछ खरीद लिया 6000 का, पढ़ा जा नहीं रहा है। 500 का, 6000 को भी उतना ही होता। देखिए बस ये
इतना सारा बुक गाइस एक बात बताते हैं, जैसे हम पहले जहाँ पे रहते थे ना, तो वहाँ का पानी हमको बहुत सूट करता था, तो मेरा बाल बहुत लंबा था, कमर तक बाल था और काट ली थी और लंबा, और ना जैसे ही जनवरी आया ना, तो हम लोग यहाँ पर कुछ अभी 2 साल हुआ है यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से मेरा बाल आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा। और गाइस मेरा बाल देखिए, मेरे बच्चे हैं, अब ये मेरा बाल है, दोनों में किसके बाल ज्यादा अच्छे हैं मुझे गुस्सा ही अच्छा। हाँ समझे, धूप नहीं दिखाए, धूप दिखा रहे तुझसे, आज संडे है, तुझसे करो मत रोकी तुम से हो गया। हाँ हमको मोटिवेट कर, ठीक है करो इधर। बचपन से मम्मी पापा दोनों कितना मेहनत करते आ रहे, हर साल स्कूल का फी देना, तो फिर कॉलेज का फी देना, ऊपर से रोज 100 रुपया तुमको जाने के लिए देना, जिंदगी में कुछ मनो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, तुम कर सकती हो, इस बीए का बंटवारे को तोड़ सकती हो तुम, देखो बीए लिख लेना एक पेपर पे, ठीक कार्डबोर्ड पे एक हाथ मार के तोड़ दियो, हो गया बीए क्रैक। हाँ चलिए अब जो बोल रही थी करिए अपना, इससे अच्छा मोटिवेट हम यूट्यूब से ही हो जाते गाइज। ऐसे हम बुक लेने से पहले सोचे थे कि बस बुक आ जाए फिर हम पढ़ेंगे, अभी अब बुक आ गया है फिर अब सोच रहे हैं, पता है फर्स्ट फाइनल एग्जाम, देखिए गाइस ये क्या कर रही है। आपको दिखाते हैं क्या, देखिए गाइस ये हमको मोटिवेट करने के लिए क्या कर रही है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। छोड़िए गाइज हम आपको धूप दिखा देते हैं, यहाँ कितना तेज गर्मी हो रहा है, इतना तेज गर्मी, सुना भाई रहने दो, हम कहीं डिप्रेशन में ना चल जाए, यहाँ का आपको धूप दिखा देते हैं, देखिए गाइज धूप कितना, इतना धूप है कि आदमी जल जाएगा, ये देखो देखिए इतना जैसे चिल्ला रही है कि दादी माँ उठ गई है, हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि धूप क्या होता है, हम लोगों को तो लगता था पहले कि धूप में रसगुल्ला नहीं लड्डू होता है, इसको शांत कराना, वो बेसन का लड्डू देखिए दादी माँ को डिस्टर्ब कर रही है, वाओ गुड वेरी गुड, लेकिन तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, भीख मांगी औरत लालची है, दुनिया की सबसे बड़ी लालची औरत ही है गाइज, तुम हम ऐसे ही कभी किसी के मतलब से पैर नहीं दबाते हैं, ठीक है, अच्छा जो संस्कार नाम का चीज होता है ना, हाँ वो है मेरे अंदर, क्योंकि तो भाई अपने थे इसके अंदर संस्कार है गाइज, आपको क्या लगता है खा खा के पनीर, चार्जर है बाबू थोड़ा इज्जत से वहां पे, अच्छा ओ गाना का स्पेलिंग तो सही से बोल लो पहले, गवार औरत जाहिल, नहाई भी हो आज? हाँ नहाए हैं, तुम उतना दिन से नहीं नहा रही थी इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी, इनको सिखा रही है दोस्तों पूरा सा, देखिए गाइज मेरा वीडियो आते ही ये हटा देती है, जब यही सपोर्ट नहीं करेगी तो और हमको किससे उम्मीद है। हाँ आगे गाना
गाना मत बजाना, कॉपीराइट आ जाएगा। हम बजाएंगे। बस रे, मेरे पास मत आओ। गाइस इसको दौड़ा आ गया। इसका देख तो कर रहा है। ओह गॉड गाइस, इसको जैकलिन फर्नांडिस को भी फेल कर दी गाइस। बस कर बहन, बस कर, रुलाएगी क्या आज? लगता है नागमनी लेके मानेगी मेरी बहन। दीदी बस कर दो, करना क्या चाह रही है ये? देखिए दादी मंडी इसको। बहन तुम मर जाओ यार। बस कर दो बहन, इमी इमी का पूरा डिमी डिमी निकाल दिया तुम तो। बस कर मेरी क्यूटी बहना, बस कर दे। लाली नहीं, बस कर दो बहन, अब कल, अब दूसरे वीडियो में नहीं।